आज मैं अपने ऑर्चर्ड में एप्पल की कंडीशन देखने आया हूँ। अभी तक हार्वेस्ट शुरू नहीं कर पाए है, कलर इतना अच्छा नहीं है और साइज़ काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। तो ये वाला जो ब्लॉक है स्पेसिफिकली, जिसमें हमने विंटर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए, फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, जहाँ पे कवर क्रॉपिंग की थी ब्रासिका की, मस्टर्ड की, तो उस ब्लॉक में आया हूँ। और यहाँ पे लीव्स की कंडीशन काफ़ी बढ़िया है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे विंटर्स में हमने इस पूरे एरिया में मस्टर्ड बीजी हुई थी, ताकि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद इस समय पे अल्टरनेरिया, मार्सोनीना, ये सब बीमारियाँ ना आए। तो अभी आप लीव्स देख सकते हो, काफ़ी सही कंडीशन में है। हल्का हल्का अल्टरनेरिया दिखाई दे रहा है और क्रॉप भी अभी ठीक है। आई थिंक कल हम इसमें फर्स्ट थिनिंग कर लेंगे, जिसमें कलर आ चुका है और साइज़ जिसमें डेवलप हो चुका है। उन प्लांट्स से प्लकिंग कर लेंगे, लेकिन लीव्स अभी स्पेसिफिकली इस ब्लॉक में काफ़ी सही है। तो मैं जो विंटर की कवर क्रॉपिंग के बारे में बात कर रहा था और इस पे काफ़ी वीडियोस मैंने बनाए हैं, तो आप देख सकते हो कि इसके फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं आपको। और इतना डेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद भी इन्फेक्शन नहीं आया है। और हैरानी की बात यह है कि मैंने अभी तक सिर्फ दो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड अभी तक इस्तेमाल किए इस ब्लॉक में, और ओवरऑल अभी तक सिर्फ तीन एप्लीकेशंस फंगीसाइड की है। और मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद मुझे यहाँ पे पत्तों को बचाने के लिए कोई और स्प्रे करने की ज़रूरत है, स्पेसिफ़िकली अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूँ। और दूसरा, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी विंटर कवर क्रॉपिंग की वजह से काफ़ी बढ़िया है। अगर आप देखोगे तो जितना इस ब्लॉक में साइज़ मुझे दिखाई दे रहा है और दूसरे ब्लॉक्स में, इतना अच्छा साइज़ नहीं है। साइज़ की वजह से अभी कलर में कुछ प्लांट्स थोड़े पीछे है, 100% कलर से अभी काफ़ी पीछे है। तो अभी थोड़ा सा समय लगेगा और कलर आने में। तो हम लोग जो तैयार सेब है, जिसमें कलर भी आ चुका है और साइज़ भी अच्छा है, उनको कल से थिनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अभी रेट काफ़ी अच्छा चल रहा है मार्केट में। और बाकी आप सॉइल की कंडीशंस देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया कंडीशंस है। ये तनों को मैं ऐसे साफ रखता हूँ ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना आए नज़दीक में। इस तरह से तनों के ऊपर धूप पड़ती रहे और उसके बाहर बाकी कॉम्पैक्शन का निशान नहीं है। और एक चीज़ जो मैं और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रूनिंग का बचा हुआ अवशेष है विंटर्स का, तो यहीं पे इनकी ढांग लगाई गई है। और अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं दिखाई देगा।
तो मेरा कहने का मतलब है कि इन्फेक्शन हमारे ऑर्चर्ड्स में तभी आएगा जब फंगस के स्पोर्स, जो डिजीज कॉजिंग फंगस है, अल्टरनेरिया, मार्सोनिना, स्कैब, ये या और भी कोई ब्लॉच, ये तभी फैलेगी अगर हमारा सॉइल जो है, उसकी जो कंडीशन है, उसमें उनको पनपने को ज़्यादा स्कोप है, और जो उनको सप्रेस करती है चीज़ें, उसका अभाव है। तो मैं जिन लोगों को ये समस्याएं आ रही है, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप विंटर कवर क्रॉपिंग में ब्रासिकास लगाएं। ज़रूरी नहीं आप मस्टर्ड लगाएं, आप सरसों लगा सकते हो, और भी ब्रासिका फैमिली का कोई कुछ भी आप विंटर में ग्रो कर सकते हो, लेकिन उसका जो सीड है वो देसी होना चाहिए, मतलब हाइब्रिड या फिर जो GM जो सीड्स आते हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो सॉइल का जो डिजीज सप्रेशन है वो बना रहेगा, और दूसरा मॉइस्चर रिटेन रहेगा विंटर्स में, मॉइस्चर ज़मीन के अंदर ही रहेगा, और आपकी इस समय पे साइज़ और जो क्वालिटी है वो बेटर निकल के आएगी। इस साल हैवी ड्रॉट होने के बावजूद भी साइज़ ठीक ही आ रहा है, अब इनिशियली बहुत छोटा छोटा रह गया था, कुछ सेब अभी भी पीछे रह गए हैं, लेकिन अमूमन पूरे खेत में साइज़ जो है काफ़ी बेटर है, और मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस मुझे अब और भी अपने ब्लॉक्स में, अपने खेतों में बढ़ानी है, ताकि हम कम से कम स्प्रे करके भी बेटर रिजल्ट्स ले पाएँ, और जो टोटल सेविंग हो वो हमारी हो। जितना ज़्यादा हम स्प्रे करेंगे उतना हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ती रहेगी। तो अभी क्रॉप खड़ी है और पत्ते भी खड़े हैं, फोटोसिंथेसिस चल रहा है, साइज़ आ रहा है, कलर आता है फिर फेड हो रहा है क्योंकि साइज़ बढ़ता जा रहा है।